हाय, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है हमको आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो हमारे वीडियोस को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलेंगे। आज हम अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के बारे में सीखेंगे। तो पार्टनरशिप के बारे में सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म है क्या, पार्टनरशिप बिजनेस है क्या। जब दो या दो से अधिक लोग अपनी पूंजी लगाकर मिलकर व्यापार करना और उस व्यापार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं, ऐसे संस्थान को पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या है, जिससे कि हम पहचान सकें कि ये पार्टनरशिप फर्म है। तो फीचर्स टू, पहला, टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति, कम से कम दो और अधिकतम 50 इसके सदस्य हो सकते हैं। तो टू और मोर पर्सन, पार्टनरशिप फर्म में दो से अधिक सदस्य होने चाहिए, अधिकतम 50 तक। और दूसरी बात, एग्रीमेंट, उनके बीच में एग्रीमेंट होने चाहिए, जरूरी है। अब ये एग्रीमेंट मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, पर प्रैक्टिस में ज्यादा लिखित ही मिलता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर होता है। लिखित होने से इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अमंग दोज पार्टनर्स, ये बड़ा ही हेल्पफुल होता है। इसके आधार पे उन विवादों का निपटारा करना आसान होता है, इसलिए एग्रीमेंट आमतौर पे लिखित होते हैं, मौखिक भी हो सकते हैं। तीसरा, लॉफुल बिजनेस, वो जो व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार वैधानिक होने चाहिए, कानूनी होने चाहिए। वैसे व्यापार नहीं होना चाहिए जो उस देश या उस राज्य जहां वो कर रहे हैं वहां उसे गैर कानूनी घोषित किया गया हो। व्यापार कानूनी होने चाहिए, वैधानिक होने चाहिए। चौथा, प्रॉफिट शेयरिंग, बिजनेस का जो बिजनेस लाभ कमाए वो लाभ पार्टनर्स में बांटा जाया जाना चाहिए, उनके बीच में लाभ की हिस्सेदारी होनी चाहिए। फिर है ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, व्यापार का संचालन। व्यापार का संचालन या तो सभी पार्टनर या सबके तरफ से सबके सहमति से कोई एक कर सकता है। और छठा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, साझेदारों के दायित्व तो असीमित होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। यदि व्यापार डूब रहा है, डूब गया है, ऐसी परिस्थिति में या ऐसी परिस्थिति में व्यापार के कर्ज को चुकाने के लिए केवल साझेदारों अपने पूंजी तक ही सीमित नहीं रहते, जरूरत पड़ने पर उनकी निजी संपत्ति का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। ये हो गए पार्टनरशिप के फीचर्स, विशेषता। अब हमने यहां पे बात किया था एग्रीमेंट का, तो एग्रीमेंट जो उनके बीच में बनता है पार्टनर्स के बीच में, उसे पार्टनरशिप डीड, हिंदी में साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें होती है आमतौर पर, इसके अलावा भी और क्लॉज जो लगे वो हो सकते हैं, पर आमतौर पे जो होती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला, नेम एड्रेस एंड बिजनेस ऑफ फर्म। पहला मतलब साझेदारी व्यापार का नाम क्या होगा, वो उसका एड्रेस क्या है, वो किस प्रकार का व्यापार कर रहा है, ये इसमें लिखित होने चाहिए। दूसरी बात, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, उसमें जितने पार्टनर्स हैं, साझेदार हैं, उनके नाम और पते होने चाहिए। तीसरी बात, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के कैपिटल, पार्टनर्स ने कितने कितने कैपिटल लगाए हैं, ये बातें इसमें लिखी होने चाहिए। फिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के कैपिटल पर और पार्टनर्स द्वारा फर्म को दिए गए लोन पर ब्याज की दर क्या होगी, यह भी इसमें लिखित होता है। पांचवा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स के बीच में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, उनके बीच में वो बराबर बराबर बांटेंगे या कोई और अनुपात उनके बीच में होगा, यह भी इसमें लिखित होने चाहिए। छठा, ड्रॉइंग्स, आहरण, पार्टनर्स द्वारा बिजनेस से निजी प्रयोग के लिए निकाले गए रुपए जो होंगे वो ड्राइंग्स के लिए क्या प्रक्रिया होगी, क्या नियम होंगे, कितने अंतराल में वो पैसे निकाल सकते हैं, कितने समय में उन्हें वो ड्राइंग्स के पैसे फिर वापस, ये सारे अगर रूल है कोई तो वो लिखे होंगे ड्राइंग्स के बारे में। फिर है सैलरी, कमीशन एंड एनी अदर रेमुनरेशन, अगर पार्टनर्स को किसी तरह का सैलरी दिया जाना है या कमीशन दिया जाना है या और कोई तरह का रेमुनरेशन आदि दिया जाना है तो वो भी इस डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। फिर आठ नंबर में है राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, पार्टनर्स के राइट्स अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनके दायित्व क्या होंगे, ये
इसके बारे में भी इस पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख में लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद है रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। यदि कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, कोई पार्टनर उससे रिटायरमेंट ले रहा है या किसी पार्टनर की मौत हो गई, उस समय क्या नियम अपनाए जाएंगे। दसवां रूल्स फॉर सेट ऑफ अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, संन्यास ले रहा है बिजनेस से, तो उसके हिसाब किताब का पूरा लेखा जोखा किस तरह से और उसके हिसाब किताब को किस तरह से निपटाया जाएगा, उसका भुगतान किस तरह से किया जाएगा, यह भी इसमें लिखा होता है। फिर 11 नंबर में है डेट ऑफ स्टार्टिंग पार्टनरशिप एंड अकाउंटिंग ईयर। पार्टनरशिप व्यापार कब शुरू हो रहा है, किस तारीख को और ये कौन से अकाउंटिंग ईयर को अपनाएगा, इस बारे में वो फाइनेंशियल ईयर होगा, कैलेंडर ईयर होगा या कुछ और होगा, वो भी इसमें लिखा होता है। क्या अकाउंटिंग ईयर आमतौर पर अपने यहां 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर यही चलता है, तो ये भी इसमें लिखा रहता है। फिर 12वां ट्रीटमेंट ऑफ लॉस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है, उस स्थिति में होने वाले नुकसान के भरपाई के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, इस संबंध में भी इस डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। 13वां मेथड ऑफ सॉर्ट आउट एनी डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स। अगर साझेदारों में विवाद हो जाए, किसी तरह का मतभेद हो जाए, तो उसे निपटाने के लिए, उसे सुलझाने के लिए क्या नियम अपनाया जाएगा। फिर 14वां ऑडिटिंग अंकेक्षण, पार्टनरशिप व्यापार के अंकेक्षण के संबंध में क्या नियम होंगे। 15वां मेथड ऑफ इवैल्यूएट गुड मेथड टू इवैल्यूएट गुडविल। गुडविल का मूल्यांकन कैसे किया जाए, गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता किसी नए पार्टनर के आने पर, किसी पार्टनर के बिजनेस से रिटायरमेंट लेने पर या किसी पार्टनर के डेथ की स्थिति में गुडविल के मूल्यांकन की जरूरत होती है, तो वहां गुडविल के इवैल्यूएशन के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा। 16वां डिसोल्यूशन प्रोसेस। अगर पार्टनरशिप फर्म विघटित होती है, समाप्त होती है, उस समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और 17वां एनी अदर्स, मतलब और भी कोई क्लाउज अगर पार्टनरशिप फर्म जो एग्रीमेंट पेपर बन रहा है उस समय उसको लगेगा उसके सदस्यों को, तो वो मिलकर इसमें और भी सारे क्लाउज जोड़ सकते हैं। तो ये रहेगा पार्टनरशिप डीड, ये सारी बातें होती है। पर बहुत बार होता है कि बहुत सारे साझेदारी फर्म पार्टनरशिप डीड नहीं बनाती है, उस स्थिति में क्या नियम लागू होंगे। तो उस स्थिति में इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस स्थिति में ये निम्नलिखित नियम लागू होंगे। पहला क्या, नो सैलरी कमीशन एंड एनी अदर रेमुनरेशन, मतलब साझेदारों में से किसी भी साझेदार को किसी भी तरह का वेतन, कमीशन या और किसी भी तरह का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली, साझेदारों के बीच में लाभ का बंटवारा बराबर बराबर होगा। तीसरा, नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के पूंजी पर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। चौथा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यदि किसी पार्टनर ने बिजनेस को फर्म को लोन दिया है, तो उस लोन पर उसे 6% प्रतिवर्ष 6% पर एनम के दर से ब्याज मिलेगा। और 5वां, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, जो पार्टनर्स के द्वारा ड्राइंग्स किए जाएंगे, आहरण किए जाएंगे, उस आहरण पर किसी प्रकार का कोई ब्याज फर्म द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो ये थे पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप की विशेषता क्या है और पार्टनरशिप डीड होता क्या है, उसमें क्या क्या रहता है, तथा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस स्थिति में क्या नियम लागू होंगे। अगले वीडियो में हम पार्टनरशिप फंड अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल में क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं इसके बारे में बताएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।